अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हाय दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर फायरप्लो नाम का ये मालवेयर या वायरस है तो इसको आप कैसे हटा सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो और कैसे इसको बार बार आने से रोक सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं और बहुत परेशान है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, बिना स्किप किए पूरा देखना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं स्किप कर देते हैं तो उनको सेटिंग समझ में नहीं आता, बाद में वो कंप्लेन करते हैं भैया हमने किया था लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, स्टेप बाय स्टेप, छोटा सा वीडियो बनेगा, पूरा देखिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देखो। तो यहाँ पर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं यूट्यूब से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में, अगर आपके कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पैसा वैसा लगता है, कुछ नहीं है, फ्री होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो मुसीबत है फायरप्लो, इसको कैसे रोकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो फायरप्लो आपका मोबाइल पर अगर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आपका बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना हो क्या होगा, इसको अगर अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, आपके मोबाइल पर सेटिंग ऑप्शन तो होगा, ये वाला सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा एप्लीकेशन, बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर एप्लीकेशन लिखा हुआ था, मेरे मोबाइल पर ऐप लिखा है, आपको कुछ भी मिले उस पर क्लिक करो और यहाँ पर सर्च करना है कि वो मुसीबत कहाँ पे है। जिस ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया था, ऑटोमेटिक इंस्टॉल है, उसको आपको पहले यहाँ से लात मार के निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिख जाए, जैसे एक्सेल पर सेटिंग, क्लॉक, वॉलपेपर या फिर फायर प्लू, फायर वे, ऐसा कुछ भी दिखे, एक्सेल पर बहुत से लोगों के मोबाइल में आते हैं, अगर आपको दिखे तो यहाँ से सिंपली क्लिक करना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लिक करना है और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको दिखेगा, अन इंस्टॉल पर आप क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमने अनइंस्टॉल तो कर दिया लेकिन ये फिर से वापस आ जाता है, तो उसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा आपको। आपको करना क्या होगा, नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा परमिशन, इस परमिशन पे आपको क्लिक करना है और परमिशन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे जितना भी परमिशन ये मांगेगा उसको आपको पहले अनइंस्टॉल करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इस परमिशन को आपको पहले बंद कर देना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना होगा, बैक आने के बाद आपके मोबाइल पे जो स्टोरेज है स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपका जो स्टोरेज है मेमोरी कार्ड अगर आपका है तो मेमोरी कार्ड दिखाएगा, इंटरनल अगर स्टोरेज दिखाएगा तो इंटरनल होगा, दोनों पे क्लिक कीजिए और इसका एक ऑप्शन आपको ढूंढना होगा जिसका नाम है केस डाटा, ऑडियो वीडियो इमेज कुछ नहीं करना है, केस डाटा, ये जो है ना CACHED ये वाला, इसको डिलीट कर देना है। अब डरना मत, इसमें कुछ नहीं होगा, आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कचरा होगा वो डिलीट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके मेमोरी कार्ड हल्का हो जाएगा। बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से ऐप पे जाना है, ऐप पे जाने के बाद आपका यहाँ पे प्ले स्टोर सर्च करना है कि प्ले स्टोर कहाँ है, तो प्ले स्टोर मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ, मेरे पास भी प्ले स्टोर है, सबका मोबाइल भी होता है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिजेबल, ठीक है, ये डिजेबल पे आपको क्लिक करना है, ये इसको बंद कर देना है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर, अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल किया मतलब बंद कर दिया, डिजेबल किया, तो बाकी का जो ऐप है वो काम नहीं करेगा। तो भैया हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐप काम करे, ठीक है, डरना मत, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ एक करके, ठीक है। तो इसे आपको डिजेबल पर क्लिक कर देना है, तो ये कर दिया। इसके बाद आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा, एक बार स्विच ऑफ कर देंगे, ऐसे बैक आएंगे और डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद फिर से आपको स्विच ऑन करना होगा, आपका मोबाइल शांत हो जाएगा, जो हैंग था गर्म था वो आहिस्ते से ठंडा हो जाएगा, आपका मोबाइल आहिस्ते से एक सेकंड दो सेकंड बाद जब भी आपको मर्जी हो आप उसे ऑन कीजिए, फिर आपको आना होगा और आपका जो मोबाइल है उसमें फिर से ये जो सेटिंग ऑप्शन में सेटिंग में जाना है, ये जो ऐप है ऐप पर जाना होगा, आपको फिर से आना होगा, आपका जो प्ले स्टोर है ये देखिए डिजेबल है, इसको हम ये जो एनेबल है एनेबल पर हम क्लिक कर देंगे, बस आपका कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप जैसा मर्जी आप मोबाइल यूज़ करते थे वैसे यूज़ कीजिए, आपका जो ऐप है वो बंद हो जाएगा, जो बैकग्राउंड में रन करता था फायरप्लो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है इस मुसीबत के बारे में, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका दोस्त सॉरी आपका जो दोस्त है, आप खुश रहिए और सभी परिवार के साथ खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।